हेलो फ्रेंड, क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 6 है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.9। इस एक्टिविटी में हम लोग तीन आयरन नेल को लेना है, उस आयरन नेल को सैंड पेपर के थ्रू क्लीन करना है, फिर दो टेस्ट ट्यूब ले लेना है। टेस्ट ट्यूब को मार्क कर लेते हैं हम लोग ए एंड बी, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। एक टेस्ट ट्यूब को स्टेन के साथ अटैच करके रखना है और एक टेस्ट ट्यूब को अलग रखना है। एक टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब बी में दो तीन में से दो आयरन नेल को डीप करना है, उसके बाद इसको 20 मिनट तक छोड़ देना है। फिर 20 मिनट के बाद इस आयरन नेल को निकाल लेना है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब वन ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, और हम लोगों को जो आयरन नेल है उसका भी कलर को चेक करना है। 20 मिनट के बाद जब आयरन नेल को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटाते हैं तो क्या ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और आयरन नेल था, आफ्टर 20 मिनट उसका कलर चेंज होकर लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आयरन नेल की बात करें तो उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्टिविटीज के इक्वेशन को देख लेते हैं। आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो आयरन है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे रिएक्टिव सीरीज, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग एक बार देख सकते हो, मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से जो आयरन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर एज इट इज रह जाता है। इसी वजह से जो आयरन सल्फेट होता है उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है और कॉपर जो रेसिड्यू बच जाता है उसका कलर लाइट ग्रीन कलर का होता है। देख लो एक बार रिएक्टिव सीरीज आप लोग। व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउन इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, बता चुके अभी आपको। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्टिविटी 1.24। नेक्स्ट देखते हम लोग, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, आपका जो रिएक्टेंट साइड होगा, एक आपका एलिमेंट होगा और आपका एक कंपाउंड होगा, आपका दोनों में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जिस एलिमेंट का रिएक्टिव ज्यादा होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे और आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिंक है, आपका कॉपर सल्फेट है, अगेन जो जिंक होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लो जो जिंक है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इस जो आपका लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है इसको ये डिस्प्लेस कर देगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आपको क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका लीड है और आपका कॉपर है, अगेन जो आपका लीड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, इसमें भी क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करके आपका लीड क्लोराइड बना देगा आपको। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.10। इस एक्टिविटी में दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी 3 ml बेरियम क्लोराइड लेंगे। दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है, जैसे ही हम लोग मिक्स करते हैं हम लोगों को एक वाइट सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है वो नजर आने लगता है, इस वाइट सब्सटेंस को प्रिसिपिटेट कहते हैं और इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्मड, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्मड इज नोन एज अ प्रिसिपिटेट, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन। एक्टिविटीज के इक्वेशन को देख लेते हैं।
सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्टेंट साइड है आपका, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक वाइट प्रिसिपिटेट होता है और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है आपका। व्हाट व्हाट कॉज दिस, द वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम, 2+2-, ध्यान रखना, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है, डिफिनेशन याद रखना आप लोग। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, क्या कहते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर से हम लोग इक्वेशन एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, आपका एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट है, रिएक्टेंट साइड की बात ही कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट एक क्या आपका बेरियम क्लोराइड है। प्रोडक्ट कैसे बना रहा है, जो आपका यहाँ पे जो आपका बेरियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है रिएक्टेंट साइड में ही। जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड बना रहा है सोडियम क्लोराइड, कैसे बन रहा है, जो सोडियम है आपका ये दूसरे रिएक्टेंट के जो क्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में जो आपका एलिमेंट है एक, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, यानी एक्सचेंज हो रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ बन रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ बन रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड, इसका इक्वेशन देख लेते हैं। आपका इक्वेशन है लीड नाइट्रेट PbNO32 और आपका सोडियम सल्फेट, एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाता है, लीड सल्फेट बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड, तो व्हाइट कलर का होगा याद रखना। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रिसिपिटेट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला क्वेश्चन था कि जो आपका प्रिसिपिटेट है उसका कलर क्या है, तो व्हाइट कलर का होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो आपका पीबी है लेफ्ट हैंड साइड में वन एटम है, राइट में भी वन है। सल्फेट की बात कर लेते हैं, इधर भी सेम और इधर भी सेम आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, एन कितना है, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, यानी यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Na हो जाएगा। तो देखो आपका Na 2 है यहाँ पे, फिर N कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो ये मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या ये इक्वेशन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है। गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है आपका, तो हम कह सकते हैं एक बैलेंस, एक एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।